हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना मित्तल आज आपके सामने एक बहुत प्यारा सा रेडीमेड लुक में सिंपल सा स्वेटर डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए, मैंने एक स्वेटर पर ये ABC ये बनाया है अल्फ़ाबेट्स। ये मेरा एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, किसी फ्रेंड्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी यूट्यूब पर ही, तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पर मैंने ये स्वेटर तैयार किया है। ये मैं 3 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ और इसमें मैंने ये रीग्लेन घटाई की है ये वाली, और इस तरह से मैंने मुड्ढे बनाई हैं। ये हमारा फ्रंट का पार्ट रहेगा, फिर ये हमारी स्लीव्स है। स्लीव्स में मैंने इसमें बीच में स्ट्राइप्स लिए डाली हैं। ये हमारी बैक रहेगी, बैक में हमने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया है ये वाला, ये स्क्वायर बनाया है ऐसे सिंपल। और अब हम दूसरी बाजू बना रहे हैं जो मैं आपको बनाना बता दूंगी। इसमें हमने ये मैंने ये एक पहले वीडियो बनाई थी, ये देखिए आप लोगों ने देखा होगा ये वाला। पहले मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने ये वाला स्वेटर बनाया था, तो ये मेरा सभी ने बहुत अधिक पसंद किया है, और ये उसी को देखकर फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं केवल ABC ये 3 वर्ड्स लिखने बताऊँ। आपकी और भी जो डिमांड होती है मैं ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं उन सबको पूरा करूँ, लेकिन मेरे पास काफ़ी प्रोजेक्ट स्टार्ट रहते हैं तो थोड़ा भी लेट हो जाता है। तो ये मैंने देखी, ये एक स्वेटर बनाया था, ये इसमें मेरा फ्रंट है, इसमें मैंने आई लव डैड लिखा है, और ये मैंने इसमें स्लीव्स बनाई हैं ग्रे और ब्लैक कलर की, और ये छोटा सा हार्ट मैंने स्लीव्स के ऊपर डाला था। इसमें मैंने रीग्लेन घटाई ये देखिए इस तरह से की थी, ये वाली भी इस स्वेटर में भी मैं जो बना रही हूँ इसमें भी मैं सेम घटाई करने वाली हूँ। ये बहुत सुंदर लगती है, और इसमें हमने स्लाइड कहाँ लगाई है वो भी हमें पता नहीं लगता है, ये देखिए इसमें बिल्कुल भी पता नहीं लगता है। और ये हमारी इसकी बैक है, इसकी बैक हमने प्लेन बनाई थी, बट इसके बैक में मैंने छोटा सा ट्रायंगल स्क्वायर बनाया है ये वाला। तो अब इसमें जो मैंने ये ABC बनाए हैं, पहले मैं फंदों का मेज़रमेंट बता देती हूँ। इसमें मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पर मैंने इसमें 80 फंदे डाले हैं। 80 फंदे डालकर मैंने 4 सिलाई स्किन कलर की बनाई है, और फिर बाकी 16 सिलाई मैंने मरून कलर की बनाई है। फिर हमने ये 7 इंच बना लिया है, और 7 इंच बनाने के बाद हमने इसमें ये वाला डिज़ाइन अप्लाई किया है। पूरा डिज़ाइन बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको इसका ग्राफ दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इसका ग्राफ है। बहुत ईजली आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर ये ग्राफ तैयार कर सकती हैं। मैंने काफ़ी बड़ा बड़ा बनाया है, और बहुत जल्दी और बहुत ईजली आप इसको बना सकते हैं। इसमें मैंने ABC तीनों क्लियर, आप बहुत आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आराम से ये वाला डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। अब हम इस तरह ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकती हैं, और मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर ये वाला जो मेरा ग्राफ है वो आपको सेंड कर दूँगी। तो चलिए अब हम अपनी स्लीव्स बनाते हैं। फिर मैंने इसमें ये वाला ये देखो यहाँ पर ये मैंने यहाँ से मुड्ढों की घटाई की है, जब हमारी लंबाई पूरी हो जाएगी ये वाली। ये देखो ये हमारा यहाँ जब हमने ए का ये बीच का हम कट पार्ट लगाएंगे तभी हम अपनी मुड्ढों की घटाई स्टार्ट कर देंगे। अब इसमें ये हमने जो स्लीव्स में बीच में ये धारियाँ बनाई हैं ये कैसे बनाई हैं, और रीग्लेन की घटाई कैसे की है वो दोनों मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए मुड्ढों की घटाई के लिए शुरू से आखिर तक हमें सेम घटाना है। पहला फंदा हम बुन भी सकते हैं और बिना बुना भी उतार सकते हैं। मैं उतार रही हूँ, ये धागा आगे किया और ये फंदा हमने उल्टा बनाया, फिर धागा पीछे किया और एक फंदा
सीधा बनाया, फिर धागा आगे किया, एक फंदा उल्टा बनाया, फिर धागा पीछे किया और यहाँ पर हमने एक और एक दो, ऐसे दो फंदों का ऐसे आगे से हमें नहीं बनाना है, ये और ये ऐसे, पीछे से हमने ऐसे दो का एक बनाया ये। अब हम अपने ये बाकी फंदे बुन लेते हैं। ये देखिए अब हम यहाँ पर आ गए हैं, सेंटर है ये बिल्कुल, क्योंकि मैं काफ़ी मुड्ढे बना चुकी हूँ, मेरे पास काफ़ी कम फंदे हैं, यहाँ से मैंने मुड्ढे बुनाना स्टार्ट किया था, तो मैं अब आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर हमने दो फंदे स्किन कलर के बनाएंगे, एक और एक दो। अब हम दो फंदे मरून कलर के बनाएंगे, एक और एक दो। अब हम दो फंदे फिर से स्किन कलर के बनाएंगे ये। अब हम अपने मेहरून फंदे बना लेते हैं, सारे फंदे बना लेंगे, लास्ट में हम केवल छः फंदे छोड़ देंगे। ये देखिए हमने लास्ट में सिक्स फंदे छोड़े हैं, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर हम एक और एक दो, सबसे पहले हम दो फंदे ऐसे, पिछली बार जो हमने इधर लिए थे वो ऐसे लिए थे, लेकिन इस बार हमें एक और एक दो, दो फंदों को ऐसे लेना है और यहाँ पर दो का एक बनाना है। ये हमारा दो का एक बन गया। अब हमने धागा आगे किया उल्टा, धागा पीछे किया सीधा, धागा आगे किया उल्टा और धागा पीछे किया सीधा। ये छह फंदे हमने ऐसे, दोनों साइड हमने एक एक फंदा घटा दिया है। उल्टी सिलाई में कोई फंदा हमें घटाना या बढ़ाना नहीं है, उल्टी सिलाई पहला फंदा उतारेंगे और बाकी हम फंदे अपने नॉर्मल बुनते जाएंगे। यहाँ जो हमने ये स्किन कलर वाले फंदों का बनाया था, हम फिर यहीं पर सेम रहेगा, जो हमारे ये स्किन कलर के हैं दोनों उल्टे स्किन कलर के, फिर दो मेहरून, फिर दो स्किन कलर के, फिर ये सारे हम मेहरून बना लेते हैं। ये देखिए हम फिर से सीधी सिलाई पर आ गए हैं, सेम रिपीट होएगा। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, धागा आगे किया, ये फंदा हमने उल्टा बनाया, धागा पीछे किया सीधा, धागा आगे किया उल्टा, ऐसे हमें एक दो तीन चार फंदे बुनने हैं। अब हम धागा पीछे ले जाएंगे और एक दो, यहाँ हमें देखो ये फली नज़र आ रही है, तो ये दो फंदे लेंगे और इसको ऐसे पीछे की साइड हम यहाँ पर दो का एक बनाएंगे। अब हम अपने ये मैरून फंदे बना लेंगे। अब हम सेंटर में आ गए हैं, दो फंदे हमारे ये स्किन कलर के रहेंगे, दो मरून, फिर से दो स्किन कलर के रहेंगे और अब हमारे सारे फंदे मरून होंगे, सिक्स फंदे हम पीछे से छोड़ देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर सिक्स फंदे छोड़ रखे हैं ये। अब हम फिर से दो का एक बनाएंगे, ये धागा आगे किया उल्टा, धागा पीछे किया सीधा, आगे किया उल्टा और पीछे किया सीधा। इस तरह से हमारी पूरी बाजू बनती जाएगी और फ्रंट इन इन दोनों पार्ट्स में भी हमने ऐसे ही, ये वाला चारों पीस में हमें ऐसे ही रिग्लेन घटाई कर लेनी है। ये देखिए और यहाँ मैं बता दे रही हूँ, स्लीव्स में मैंने यहाँ पर नीचे स्लीव्स में मैंने यहाँ पर 45 फंदे डाले हैं, बॉर्डर के बाद मैंने यहाँ पर 55 फंदे किए हैं। फिर हमने हर पांचवी सिलाई में एक एक फंदा बढ़ाया है दोनों साइड और यहाँ तक हमने इसमें 80 फंदे किए हैं, क्योंकि हमारे पीस में 90 फंदे हैं तो स्लीव्स में हमने 80 फंदे किए हैं। और घटने के बाद हमारे पास ऊपर
यहाँ पीस में 36 आगे 36 पीछे और स्लीव्स में 26 इसमें होंगे और 26 इसमें होंगे। इस तरह हमारे पास चारों पीसेस में मिलाकर 124 फंदे हो जाएंगे, क्योंकि 36 प्लस 36 तो 72 फंदे हो गए हैं, और इधर 26 और 26 दोनों स्लीव्स में हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 124 फंदे हो जाएंगे। 104 फंदों का हम गले बनाएंगे 104 का, और बाकी 20 फंदे हम ऊपर घटा देंगे। ये देखिए, मैंने ये वाला स्वेटर भी सेम मेज़रमेंट में बनाया था, बहुत प्यारा बनाया। इसमें भी मेरे यहाँ पर, यहाँ 36 हमारे इसमें थे, 36 बैक में थे, 26 और 26 दोनों स्लीव्स में थे, और मैंने यहाँ पर इसमें 104 फंदों का ये गला बनाया है और 20 फंदे मैंने यहाँ पर घटा दिए थे। सेम इसी मेज़रमेंट का मैं ये वाला स्वेटर बना रही हूँ, बहुत प्यारा स्वेटर बनेगा, बहुत सिंपल रहेगा। और ये वाला, अगर आपको ये वाला स्वेटर का डिज़ाइन मेरा चैनल पर नहीं मिल रहा है, तो मैं इसका लिंक भी अब जो स्वेटर बना रही हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उसकी हेल्प से आप ये स्वेटर भी बना सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दोनों स्वेटर बहुत प्यारे बने हैं। ये वाला बनकर बहुत सुंदर रेडी बहुत सुंदर तैयार होएगा, आप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको कोई कमेंट या क्वेरीज होती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, इस स्वेटर को बनाने में मैंने ये पूरा 11 नंबर की सिलाई से बनाया है, और इसको बनाने में 300 ग्राम मेरी वूल का यूज़ होता है, 300 ग्राम में 175 ग्राम मेरी स्किन कलर की वूल है और 125 ग्राम मेरी मरून कलर की वूल है। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।